पीएम मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर हैं। यहाँ उन्होंने भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरा कण कण राष्ट्र के लिए समर्पित है और देश के लिए हमेशा करता रहूँगा। पीएम मोदी के सम्मान में निजी रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। इस डिनर के लिए फ्रांस की फर्स्ट लेडी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपने आवास एलिसी पैलेस पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम मोदी को फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान द लेजन ऑफ ऑनर के सम्मान से नवाजा गया। पीएम मोदी इसके साथ ही ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। पीएम मोदी इसके साथ ही दुनिया के उन चुनिंदा नागरिकों में शामिल हो गए हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया है। दुनिया के कुछ चुनिंदा लोगों को फ्रांस की ओर से इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी दो दिनों की आधिकारिक यात्रा पर फ्रांस गए हैं। इससे पहले फ्रांस के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। मोदी की अगुवाई फ्रांस की पीएम एलिजाबेथ बॉर्न ने की थी। एयरपोर्ट पर स्वागत के साथ इसके साथ ही कई अन्य इसमें शामिल थे। पीएम मोदी ने यहाँ 14 जुलाई को लॉन्च हो रहे चंद्रयान 3, भारत और फ्रांस के बीच मजबूत हो रहे रिश्ते और देश में चल रहे विकास के काम की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक एवं सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार देर रात पेरिस के एलिसी पैलेस में एक समारोह में पीएम मोदी को इस सम्मान से अलंकृत किया। प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों की ओर से इस अद्वितीय सम्मान के लिए मैक्रों को धन्यवाद किया। पूर्व में लीजन ऑफ ऑनर का ग्रैंड क्रॉस दुनिया भर के चुनिंदा नेताओं और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया गया है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार एवं ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स, जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली समेत कई हस्तियाँ शामिल हैं। फ्रांस द्वारा दिया गया सम्मान पीएम मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में एक और सम्मान है। इसमें जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में फिजी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में ही पलाऊ गणराज्य द्वारा अबाकल अवार्ड शामिल है। वर्ष 2021 में भूटान द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा, 2019 में मालदीव द्वारा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, 2019 में रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार, 2019 में ही यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद, 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्ला खान और 2016 में सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज़ अल सऊद शामिल हैं।